Hello everyone, this is Professor Pawan Shivankar, working as Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering, V.R. Patil Patil College of Engineering and Management, Amravati. And I welcome you in a 14th lecture of Strength of Material or Mechanics of Material. And today we are starting new concept, that is bulk modulus. Before start bulk modulus, let us complete one more numerical on volumetric strain in cylindrical rod. लास्ट लेक्चर में हमने वो कंप्लीट नहीं किया था, सो रेफर न्यूमेरिकल नंबर 20, 21, 22. स्टील रॉड 5 मीटर लॉन्ग एंड 30 mm इन डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन. डिटरमाइन चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमीटर एंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ रॉड. टेक ई इज इक्वल टू 2 × 10⁵ एंड म्यू इक्वल टू 0.25. तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल रॉड है, ओके, इसमें लेंथ है 5 मीटर, इन एमएम शुड बी 5000 एमएम, डायमीटर इज 30 एमएम, लोड इज 50 किलो न्यूटन, सो 50 × 10�³ न्यूटन. डिटरमाइन चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमीटर एंड चेंज इन वॉल्यूम, ये तीनों चीजें निकालनी है. इसके लिए दिया है यंग्स मॉडुलस वैल्यू इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड म्यू पोशंस रेशियो दिया है 0.25. ओके, इतनी सारी चीजें दी है. सो आपको निकालना है डीएल, चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमीटर, चेंज इन वॉल्यूम. सो डिपेंड्स ऑन गिवन डाटा वी कैन इजीली फाइंड आउट स्ट्रेस, सिग्मा इज इक्वल टू देन स्ट्रेन. सो सबसे पहले हम निकालते हैं स्ट्रेन, इज इक्वल टू फॉर्मूला है डीएल बाय एल. अब जिसमें स्ट्रेन भी नहीं है हमारे पास में, डीएल भी नहीं है, तो और एक फॉर्मूला है हमारे पास में सिग्मा बाय ई. सिग्मा कैन बी रिटन एज पी बाय एल, सॉरी पी बाय ए और ई एज इट इज. तो यहाँ पे वैल्यू अगर मैं पुट अप करता हूँ तो पी की वैल्यू है हमारे पास में 50 × 10�³. एरिया यहाँ से निकालेंगे पाई बाय 4, डी स्क्वायर दैट इज 30² एंड ई वैल्यू इज 2 × 10⁵. सो आपको स्ट्रेन मिल जाएगा और स्ट्रेन आना चाहिए 0.000 3536 यूनिट रहेगा क्या? नहीं, हमने स्ट्रेन निकाला है. ओके, सो स्ट्रेन आया 0.000 3536. स्ट्रेन है तो आपको डीएल मिल जाएगा क्योंकि स्ट्रेन कैन बी रिटन एज डीएल बाय एल. हेंस डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेन इनटू लेंथ. स्ट्रेन इनटू लेंथ इक्वल टू 0.000 3536, ये हो गया स्ट्रेन. और लेंथ है आपके पास में 5000. सो आपको इलोंगेशन मिल जाएगा, आना चाहिए 1.768 mm. आपने निकाला अभी डीएल निकाला, चेंज इन लेंथ, सो यूनिट होना चाहिए 1.768 mm. डीएल निकल गया. चलो अब डेल डी निकालना है, तो डेल डी के लिए फिर से और ई इज इक्वल टू डेल डी बाई डी. तो वहाँ पे देखो ये E इज इक्वल टू डेल डी बाई डी हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो हमने निकाला ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया. पोशंस रेशो दिया है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं म्यू इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, म्यू वैल्यू गिवन है. हमने लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन निकाला, ये क्या निकाला हमने स्ट्रेन, ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन ही है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. सो कैन आई राइट लाइक लैटरल स्ट्रेन इक्वल टू दिस इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन म्यू इंटू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. ओके, लैटरल स्ट्रेन मतलब क्या? जैसे डी एल बाय एल ये हो गया लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो लैटरल स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं डेल डी बाई डी इज इक्वल टू म्यू इंटू लॉन्जिट्यूड स्ट्रेन हो गया डी एल बाय एल. तो यहाँ पे देखो डेल डी निकल सकता, सो डेल डी इक्वल टू म्यू इंटू डी एल बाय एल इंटू डी निकल जाएगा. म्यू आपके पास में
डीएल आपके पास में, एल आपके पास में और डी आपके पास में, सो यहाँ से सीधा डेल डी निकल जाएगा। सो डेल डी इज 0.002652, 2652। देखो आप सेपरेटली डेल डी बाई डी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, उसके बाद में डेल डी की वैल्यू निकालो। सो डेल डी, अब यहाँ भी यूनिट रहेगा क्या, डेल डी चेंज इन डायमीटर, तो चेंज इन डायमीटर mm, ये हो गया आपका डीएल निकल गया, डेल डी निकल गया, चेंज इन वॉल्यूम बचा है। अब हमें फॉर्मूला पता है डी वी बाई वी, क्या है फॉर्मूला, चेंज इन वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज 1/E, सॉरी सिलेंड्रिकल रॉड के लिए था डीएल बाय एल माइनस 2 डेल डी बाय डी, ये था फॉर्मूला। सो पुट अप ऑल दी वैल्यूज और इसमें निकालना क्या है हमें, डेल वी निकालना है, तो वी से मल्टीप्लाई कर देना है सीधा सीधा। तो थोड़ा सा रफ करता हूँ यहाँ पे, ये याद रखना डीएल की वैल्यू 1.768 है। सो डी वी इक्वल टू वी इंटू डीएल बाय एल है हमारे पास में ऑलरेडी दिस वन, एंड 2 डेल डी बाई डी है हमारे पास में, सेपरेट सेपरेट रहो या फिर कंबाइन रहो, ठीक है। तो जैसे जैसे वैल्यू है आपके पास में, डीएल की वैल्यू है, एल की वैल्यू है, देन डेल डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, सभी वैल्यूज आपके पास में है, पुट अप ऑल दी वैल्यूज एंड गेट चेंज इन वॉल्यूम, एंड दैट शुड बी 624.86। अब यहाँ पे ये क्या निकाला आपने, डी वी चेंज इन वॉल्यूम, सो इट शुड बी MMQ। देखो ये नोटेशन है, ये क्या था उसमें से वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या रहता सिलेंड्रिकल रॉड के लिए, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू, सो डी आपके पास में, एल आपके पास में, तो यहाँ से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो इजीली, ओके। सो यहाँ पे निकाल के तो रखा नहीं है, लेकिन आप इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हो, और बाद में ये वॉल्यूम वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करो और चेंज इन वॉल्यूम निकालो। सिंपल है, पहले जितने भी बेसिक चीज़ें थी हमारे पास में, उससे हमने स्ट्रेस निकाला, स्ट्रेन निकाला, उसके बाद में फिर हमने पोर्शन रेशो वाला फॉर्मूला यूज़ किया, और इस पे से हमने डेल डी निकाला, देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, और उसमें सभी वैल्यू पुट अप करके हमने फाइनली चेंज इन वॉल्यूम निकाला है, गॉट इट। सो नाउ वी विल स्टार्ट बल्क मॉडुलस। The new concept is bulk modulus. ये definition है और उसके बाद में हम derivation दिखेंगे, relation between Young's modulus and bulk modulus and relation between Young's modulus and modulus of rigidity. तो सबसे पहले ये क्या है, bulk modulus क्या है, when a body is subjected to three mutually perpendicular stresses बोला तो मतलब cubical या फिर rectangular structure होगा, three dimensional body like this. ओके, सो सपोज मैंने एक क्यूब कंसीडर किया है, जिसकी जो साइड है उसकी लेंथ एल है, पूरा एल एल एल, ठीक है। तो ये क्यूब है जिसकी सभी साइड सेम है, और ये तीन स्ट्रेसेस से सब्जेक्टेड है, लेकिन स्ट्रेस की वैल्यू सेम है, सिग्मा ही है सिग्मा। सो When body is subjected to mutually perpendicular stresses, but equal stresses, so sigma sigma ये equal stresses, then ratio of direct stress to the volumetric strain, क्या बोला मैंने, ratio of direct stress, direct मतलब यही sigma, perpendicular stress to the volumetric strain is, this ratio is known as a bulk modulus, this is a constant for given material.
कंडीशन अप्लाई ये है कि बस उसका जो डिफॉर्मेशन है इलास्टिक लिमिट में होना चाहिए. सो रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इज नोन एज अ बल्क मॉडुलस एंड विच इज डिनोटेड बाय के. तो के की वैल्यू क्या हो गई, के इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ डी वी बाय वी. दिस इज नोन एज अ बल्क मॉडुलस. सो हम अब डेरिवेशन एक डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस. तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले कंसिडर किया, कंसिडरिंग वन क्यूब हैविंग साइड ऑफ लेंथ एल. अब हर एक साइड उसकी सेम रहेगी. सो कंसिडरिंग अ क्यूब ऑफ लेंथ एल ऑफ साइड ऑफ लेंथ एल एंड सिग्मा इज स्ट्रेस एक्टिंग इन फ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन. तो सभी साइड में जो स्ट्रेस एक्ट हो रहा है वो सिग्मा ही है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. ओके, देन ही विल बी द स्ट्रेन, कैपिटल ई इज यंग्स मॉडुलस, देन म्यू पोशंस रेशियो, डीएल चेंज इन लेंथ, बस बाकी तो कुछ नहीं है. तो ये हो गए नोटेशन सब जो हम डेरिवेशन में यूज करेंगे. सो ये हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, पोशंस रेशियो एंड चेंज इन लेंथ. नाउ अब इस फिगर को मैं नोटेशन दे रहा हूँ जस्ट लाइक ए बी सी डी. डायग्राम में थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ कर रहा हूँ. सो फिगर इज ए बी सी डी ई एफ जी और ये हो गया सपोज एच. ये बैक साइड है उसका जो डैश लाइन से शो किया है. नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली कि सिग्मा की वजह से जो स्ट्रेन आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर साइड को मैं हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे. सपोज स्ट्रेन इन साइड ए बी ड्यू टू सिग्मा वो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे हर एक फेस पे. तो देखो स्ट्रेन ऑन साइड ए बी ऑफ फेस, सपोज सबसे पहले हम यही फेस ले रहे हैं. ए बी सी डी कौन सा फेस, ए बी सी डी. अब इस पे नहीं, सबसे पहले हमें हम ये फेस ले रहे हैं सपोज कि जैसे उस डायरेक्शन में स्ट्रेस एक्ट हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में डायमेंशन बढ़ेगा. तो बढ़ने के लिए सबसे पहले मैं ये फेस ले रहा हूँ. हम तीनों फेस कंसिडर करने वाले. सबसे पहले मैं ये फेस कंसिडर कर रहा हूँ बी एफ जी सी या फिर ए ई एच डी, कोई भी ए ई एच डी मतलब क्या, ये वाला फेस. ठीक है, अब इस फेस पे मतलब ये वाला फेस और ये फेस दोनों सेम है, उस पर सिग्मा एक्ट हो रहा है सिग्मा. तो वो जब एक्ट होगा तो ए बी के साथ में क्या हो रहा है, ए बी ए डायमेंशन बढ़ रहा है या फिर घट रहा है. देखो ये ए बी है, अगर हम बॉक्स को ऐसा खींचेंगे तो ए बी बढ़ेगा. सो वॉट एवर द स्ट्रेन डेवलप्ड विल बी पॉजिटिव, दैट इज सिग्मा बाई, मैं लिख सकता हूँ इसको, ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन है. वैसे स्ट्रेन ऑन ए बी ऑफ फेस, अब मैं फेस चेंज कर रहा हूँ जैसे मैंने ये वाला फेस लिया था. ठीक है, आइदर मैं अब टॉप वाला फेस ले रहा हूँ सपोज ए ई एफ बी, कौन सा ए ई एफ बी, इस पर क्या हो रहा है, इस पर कौन सा स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, ये ऊपर वाला स्ट्रेस एक्ट हो रहा है. तो जैसे अगर ये स्ट्रेस एक्ट हो रहा है तो ए बी के साथ में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, देखो कि हर बार मैंने सिर्फ और सिर्फ ए बी को कॉन्सेंट्रेट किया है, ए बी को फोकस किया है. ए बी के साथ में क्या हो रहा है कि जब मैं इस फेस पे एक्ट करूंगा स्ट्रेस, इस फेस पे एक्ट करूंगा और इस फेस पे एक्ट करूंगा. तो जैसे अगर मैंने इस फेस पे एक्ट किया, मतलब जैसे ये स्ट्रेस इधर है एक्ट हो रहा है, बॉक्स को ऐसे खींच रहा है अलॉन्ग ए बी और अलॉन्ग सी डी, तो ए बी बढ़ रहा है, हम उसको खींच रहे हैं, तो जो स्ट्रेन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. अगर मैं इस फेस को ऊपर खींचूंगा तो ए बी के साथ में क्या होगा, ए बी रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होगा इसलिए फिर क्या होगा, वो लैटरल स्ट्रेन हो गया, तो हो गया वो माइनस म्यू सिग्मा बाई ई.
क्यों? क्योंकि ये लैटरल स्ट्रेन है। वैसे ही स्ट्रेन ऑन ए बी, लेकिन कौन सा फेस? देखो सबसे पहले हमने ये वाला फेस लिया वर्टिकल, बाद में ये टॉप वाला लिया, अब हम साइड वाला लेते ए बी सी डी, ये वाला ऑफ फेस ए बी सी डी। अब ए बी सी डी से क्या हो रहा है? ए बी सी डी ये सिग्मा एक्ट हो रहा है इधर। अगर इसको, इस बॉक्स को हम ऐसे खींचेंगे तो ए बी डिक्रीज होगा, अगेन डिक्रीज हो रहा है, सो माइनस म्यू सिग्मा बाय ई। गॉट इट? सो टोटल स्ट्रेंथ कितना हुआ? किस टोटल स्ट्रेंथ हो गया, टोटल स्ट्रेन ऑन साइड ए बी इज सिग्मा बाय ई प्लस माइनस म्यू सिग्मा बाय ई प्लस माइनस म्यू सिग्मा बाय ई। सो स्ट्रेन डीएल बाय एल इक्वल टू सिग्मा बाय ई, कॉमन निकाल रहा हूं मैं, वन माइनस ट्वाइस म्यू। ये चीज वैसे भी हमने ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है। सो स्ट्रेन आ गया डीएल बाय एल इज इक्वल टू स्ट्रेन ही है ना। सो किसी एक साइड का हम देख रहे हैं, जैसे ए बी साइड के लिए हम देख रहे हैं, हम बी सी साइड के लिए भी देख सकते हैं, या फिर ये वाली जो साइड है ए ई या फिर बी एफ, ये साइड के लिए भी देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा टोटल स्ट्रेन, टोटल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो किसी एक साइड पे तीन स्ट्रेसेस ऐड होने की वजह से स्ट्रेन कितना आया? सिग्मा बाय ई, वन माइनस ट्वाइस म्यू। नाउ क्यूब का वॉल्यूम अगर कंसिडर करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब वी इज इक्वल टू क्या है? एल क्यूब, क्योंकि साइड सेम है, एल एल एल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट, तीनों सेम है इसलिए एल क्यूब। नाउ मुझे अब यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का इक्वेशन बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एल। सो वी का डी वी और एल क्यूब का एक्स क्यूब का क्या होता है? थ्री एक्स स्क्वायर, सो थ्री एल स्क्वायर इन टू डी एल। ओके, dv is equal to 3l square dl। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या रहता है? ev is equal to dv by v, dv by v बनाना है तो डिवाइड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड, सो डिवाइड बाय v, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? dv by v इक्वल टू 3l square dl by v, v क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? l क्यूब। तो ये हो जाएगा ev इक्वल टू, या फिर dv by v इक्वल टू, एज इट इज लिखते क्योंकि यही वैल्यू हम यूज करने वाले हैं, dv by v इज इक्वल टू l स्क्वायर l क्यूब, यहाँ पे बचा 3dl, यहाँ पे l एक बचेगा l, 3dl by l, got it? So dv by v इक्वल टू 3, dl by l की वैल्यू हमने अभी निकाली है, dl by l is sigma by e in bracket 1 minus twice mu, ठीक है। तो ये हो गया अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको तो हमने इससे पहले कंसिडर किया भी था जब हमने रेक्टेंगुलर बार का देखा था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन रेक्टेंगुलर बार, जिसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड था। अब यहाँ पे तीन सिग्मा क्यों हो गया? क्योंकि सिग्मा सेम है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, सो थ्राइस सिग्मा सीधा सीधा। तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हमें क्या पढ़ना है? बल्क मॉडुलस का डेरिवेशन। सो बल्क मॉडुलस में मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू प्लेस करो, नाउ बल्क मॉडुलस की इक्वल टू सिग्मा बाय डी वी बाय वी की वैल्यू है हमारे पास में 3 सिग्मा बाय ई इन ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस म्यू। तो यहाँ पे देखो सिग्मा सिग्मा ये कट गया और ये सिग्मा बाय ई है तो ई जाएगा ऊपर, सो के इक्वल टू ई बाय 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस म्यू। ये हो जाएगा आपका बल्क मॉडुलस का यंग्स मॉडुलस के साथ में रिलेशन। इसको ही आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी हैव रिटर्न वैल्यू ऑफ के इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस, आप ई इक्वल टू लिखो लगे तो, और ई इक्वल टू क्या हो जाएगा?
इक्वल टू दिस वैल्यू इनटू के, सो थ्राइस के वन माइनस ट्वाइस म्यू। तो आपने एक एक टर्म निकाली के इज इक्वल टू ई बाय थ्री वन माइनस ट्वाइस म्यू, और ई इज इक्वल टू थ्राइस के वन माइनस ट्वाइस म्यू, के निकाल के इक्वल टू और ई इक्वल टू। तो ये हो गया ये, या फिर ये हो गया आपका रिलेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस विथ बल्क मॉडुलस। वैसे ही और एक डेरिवेशन है, एक्चुअली वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है डायरेक्ट, उसका फॉर्मूला है रिलेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड सी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसका फॉर्मूला डायरेक्ट है हमारे पास में, इज इक्वल टू ट्वाइस सी इन ब्रैकेट वन प्लस म्यू, या फिर अगर c की वैल्यू लिखते हैं हम तो, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू e डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। ये वाला पार्ट हो गया आपका बल्क मॉडुलस वाला डेरिवेशन, रिलेशन ऑफ बल्क मॉडुलस विद यंग्स मॉडुलस। यहाँ पे यंग मॉडुलस है और बल्क मॉडुलस भी है, और दूसरा ही इसका भाई समझ लो यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये और ये सब फॉर्मूलेज हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 23, रीड इट। अ बार ऑफ 30 mm डायमीटर, बार ऑफ 30 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू पुल ऑफ 60 kilonewton। पुल मींस लोड। मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन गेज लेंथ ऑफ 200 mm इज 0.1 mm। अब एक ही सेंटेंस में 200 mm हो गया ये लेंथ, और एक्सटेंशन जैसे बोला है द मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन गेज लेंथ ऑफ 200 mm इज 0.1 mm, तो उसमें लेंथ भी दी है और एक्सटेंशन भी दिया है। लेंथ इज 200 mm एंड DL दिया है एक्सटेंशन 0.1 mm, एंड चेंज इन डायमीटर डेल डी दिया है 0.004 mm। यंग्स मॉडुलस निकालना है, उसके बाद में पोर्शंस रेशो निकालना है, और बल्क मॉडुलस निकालना है। ओके, ये सारी चीजें दी है, डायमीटर दिया है मतलब सिलेंड्रिकल रॉड, सब्जेक्टेड लोड होगा, ठीक है, और लेंथ है, डायमीटर है, ये सब चीजें दी है। डीएल डेल डी डायरेक्टली दिया है, ये चीजें निकालनी। सबसे पहले हमें निकालना है यंग्स मॉडुलस, तो जो दिया है यंग्स मॉडुलस के लिए जैसा फॉर्मूला इज इक्वल टू सिग्मा बाय ई स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन अगर है तो स्ट्रेस निकाल लो, स्ट्रेन निकाल लो, वी नो दैट स्ट्रेस क्या है, लोड अपॉन एरिया। सो लोड इज 60 × 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया पाई बाय 4, डायमीटर तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर 30 स्क्वायर। तो स्ट्रेस निकाल लो, स्ट्रेस आना चाहिए 84.87 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेन निकाल लो अलग से, स्ट्रेन क्या रहेगा dl बाय l, सिंपल क्योंकि dl दिया है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, dl बाय l, l भी है, सो 0.1 बाय l इज 200, सो स्ट्रेन है 0.005, यूनिट है क्या, कुछ भी नहीं क्योंकि हमने स्ट्रेन निकाला। नाउ इजीली यू कैन फाइंड आउट यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस इज सिग्मा बाय ई, सो सिग्मा इज 84.87, स्ट्रेन इज 0.005, सो योर यंग्स मॉडुलस शुड बी 1.6975
इंटू 10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एक निकल गया। चलो दूसरा है म्यू, म्यू क्या है, व्हाट इज म्यू, रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या रहता, लैटरल स्ट्रेन रहता डेल डी बाई डी, एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या रहता डी एल बाय एल। देखो सभी वैल्यूज आपके पास में, चारों की चारों, डेल डी, डी, डेल एल और एल, सभी वैल्यूज आपके पास में है। जस्ट पुट अप द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, म्यू शुड बी 0.266। अगेन देर इज नो यूनिट फॉर म्यू, क्योंकि देखो ऑलरेडी ऊपर भी स्ट्रेन है और नीचे भी स्ट्रेन है, लैटरल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, वैसे स्ट्रेन कोई यूनिट नहीं है, तो स्ट्रेन बाय स्ट्रेन है वैसे भी, सो यहाँ पे यूनिट नहीं है। तो ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस, ये हो गया आपका पोर्शन रेशियो। लास्ट है के, के देख लो, के इक्वल टू, के क्या है, बल्क मॉडुलस। क्या था हमारे पास में रिलेशन, बल्क मॉडुलस इज आइदर स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डी वी बाय वी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम भी नहीं निकाला और चेंज इन वॉल्यूम भी नहीं निकाला, तो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास में, के इज इक्वल टू ई बाय 3 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि इस फॉर्मूले में आपको डी वी भी निकालना पड़ता था और वॉल्यूम भी निकालना पड़ता था, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यंग्स मॉडुलस आपके पास में, म्यू है आपके पास में, सो इजीली यू कैन फाइंड आउट। सो ई इज, अपने अभी निकाला ई, 1.6975 इंटू 10^5 डिवाइड बाई ई 1 माइनस 2, म्यू कितना है 0.266। तो इस हिसाब से आपकी की वैल्यू आनी चाहिए 1.209 इंटू 10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब बल्क मॉडुलस का यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कैसे आया, देखो कि ऊपर यंग्स मॉडुलस है तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर डिवाइड बाय ई, 3 कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट और म्यू भी कांस्टेंट, तो नीचे कुछ यूनिट भी नहीं है, तो जो यंग्स मॉडुलस का कांस्टेंट है वही के का कांस्टेंट है। तो ये हो गया आपका बल्क मॉडुलस वैल्यू, क्लियर है, समझ में आ गया। मूविंग टूवर्ड्स लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस यूनिट, रेफर न्यूमेरिकल नंबर 24, लास्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। जो जो निकालना है सबसे पहले हम लिख देंगे, सी निकालना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस निकालना है, के इज इक्वल टू व्हाट ऑफ सिलेंड्रिकल बार ऑफ डायमीटर, डायमीटर दिया है 30 mm एंड लेंथ 1.5 मीटर, लेंथ इज 1500 मीन्स 1500 mm, एक मीटर का 1000 mm। इफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज 4 times लैटरल स्ट्रेन, देखो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज 4 times लैटरल स्ट्रेन, ये दिया है, फाइंड चेंज इन वॉल्यूम डी वी भी निकलना है। ओके, अब यहाँ पे दिया है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज 4 times लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, देखो अब मैं इस रेशियो को बना रहा हूँ, जैसे अगर मैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन नीचे लेके जा रहा हूँ तो ये मैं 4 इधर लाऊंगा, सो देखो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो 1 यहाँ पे बचा इक्वल टू 4, लैटरल स्ट्रेन मैं नीचे ला रहा हूँ। ओके सॉरी, लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन और ये 4 में इधर ला रहा हूँ, तो ये टर्म कुछ जानी पहचानी लग रही है, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये क्या है आपका, दिस इज म्यू। सो यहाँ पे इनडायरेक्टली वैल्यू है म्यू की दी हुई 1/4 या फिर बोल दो आप 2.5, तो ये वैल्यू दी है, समझ में आ गया। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज 4 times लैटरल स्ट्रेन, सो मैंने 4 नीचे लाया और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन लैटरल स्ट्रेन के नीचे लेके गया, तो ये वैल्यू होगी आपकी म्यू की, म्यू इक्वल टू
1/4. When bar is subjected to hydrostatic pressure of 100 newton per mm square. अब ये क्या दिया होगा hydrostatic pressure of 100 newton per mm square. तो यूनिट से हमें समझ में आ रहा है कि ये सिग्मा दिया हुआ है 100 newton per mm square. और यंग्स मॉडुलस वैल्यू दी है इज इक्वल टू 1 × 10^5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इतना दिया है. क्या क्या निकालना है आपको? C निकालना है, K निकालना है, डेल V निकालना है. ठीक है, तो ये पार्ट हो गया म्यू. डायरेक्टली देखो C निकालना है और E दिया है. E और C का और E और K का रिलेशन हमें पता है. देखो हमने देखा था E इज इक्वल टू थ्राइस के 1 − 2 म्यू. तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो E हमें पता है, म्यू हमें पता है, डायरेक्टली आपका K निकल जाएगा. हेंस K इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू E बाय 3 1 − 2 म्यू. ठीक है, 1 × 10^5 ये E की वैल्यू है, 3 1 − 2 × म्यू की वैल्यू क्या है? 1/4. तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें K की वैल्यू मिल जाएगी. K की वैल्यू आनी चाहिए 4 × 10^4 न्यूटन पर mm स्क्वायर. K आ गया आपका. वैसे ही आप C के लिए फॉर्मूला यूज कर लो. C का क्या था? रिलेशन ऑफ C विथ E इज E बाय 2 1 + μ. ये फॉर्मूला था. सो अगेन 1 × 10^5 डिवाइड बाय 2 1 + μ, दैट इज 1/4. सो इस हिसाब से आपकी C की वैल्यू आनी चाहिए. सॉरी ये वैल्यू है, K की वैल्यू आती है 0.667 × 10^5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. और ये जो वैल्यू मैंने लिखी थी पहले 4, ये C की वैल्यू है. C इज 4 × 10^4 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, एंड और क्या निकालना है? dV निकालना है. तो dV निकालने के लिए सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं. वॉल्यूम क्या क्या दिया है? डायमीटर दिया है, लेंथ दिया है. वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल. सो डी है आपके पास में, सो पाई बाय 4 30 स्क्वायर इंटू लेंथ इज 1500. तो वॉल्यूम आना चाहिए 1060287 mm³. प्लीज़ पे अटेंशन टुवर्ड्स दी यूनिट्स, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वॉल्यूम है इसलिए mm³. तो वॉल्यूम आ गया आपका. नाउ फॉर्मूला है हमारे पास में भी, जैसे वॉल्यूम आ गया हमारे पास में और ये सर्कुलर बार है, सिलेंड्रिकल बार है. सो सिलेंड्रिकल बार है, सो dV बाय V फॉर्मूला है. dV बाय V इज इक्वल टू dL बाय L माइनस टू डेल डी बाय डी, सॉरी डेल डी बाय डी. अब इसमें देखो हमारे पास में डीएल नहीं है, डेल डी नहीं है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा. दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस, वेराइटी ऑफ फॉर्मूले हमारे पास में अवेलेबल है. लेकिन जिसमें एक से ज़्यादा अगर पैरामीटर आपका अननोन है तो वो सॉल्व नहीं होगा. सो हमारे पास में टर्म है के इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डी वी बाय वी. ये फॉर्मूला है. अब देखो इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस हमें पता है, के पता है, डी वी बाय वी से वी पता है, डी वी निकल जाएगा. तो इस पूरे टर्म में आप डी वी बाय वी या फिर सीधा सीधा डी वी निकाल लो, कैलसी में पुटअप करो. सो डी वी निकल जाएगा सीधा सीधा. के की वैल्यू है आपके पास में 0.667 × 10^5. सिग्मा है आपके पास में 100. वी है आपके पास में ये वैल्यू. सो डी वी निकल जाएगा, दैट शुड बी 1590 1590.43. और चेंज इन वॉल्यूम निकाला आपने, सो mm³. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस न्यूमेरिकल एज वेल एज यूनिट नंबर 1 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप. थैंक यू.